हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो वही, मैं बहुत बीच में बिजी चल रही थी, तो प्रॉमिस करते हुए भी आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाई, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। तो मैंने सोचा कि अभी शाम का टाइम है, तो एक छोटा सा वीडियो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, ऐसे कुछ फूल दिखाऊंगी आप लोगों को। मैक्सिमम जो गर्मी के फ्लावर्स हैं, देखिए मेरे यहाँ ये पिंक कलर का एडेनियम का ये सीज़न में फर्स्ट ब्लूम है, और पूरा प्लांट, अभी पत्ता तो है नहीं उतना, लेकिन पूरा प्लांट फूलों से और कली से भरा हुआ है। बीच में कलंचो लोकल वैरायटी का भी खिल रहा है, इसका देखिए कोटेक्स काफ़ी मोटा है, ये मेरा पुराना प्लांट है काफ़ी, और मैं उतना केयर भी नहीं लेती हूँ एडेनियम का, वो खिल जाता है खुद ब खुद, इसीलिए मुझे पसंद है। तो आज मैं ऐसे तो थोड़ा बहुत प्लांट्स भी दिखाऊंगी, और मैक्सिमम एडेनियम और यूफोर्बिया मिली दिखाऊंगी, जो क्योंकि अभी ये गर्मी में बहुत अच्छा होगा, गर्मी के सीज़न में बहुत अच्छे से चलता है विदाउट मच केयर, तो इसलिए, और ब्राइट भी लगता है, देख दिखाने में भी अच्छा लगता है, कैमरा में देख के भी अच्छा लगता है। तो ये कुछ ब्लूम वगैरह, ये पर्शियन सेक्लेमेंट भी मैंने दिखा दिया, कुछ अभी जो मेरे ऑलमोस्ट डोरमेंसी में चले गए थे जो एंथोरियम्स सर्दी में, उसमें भी अभी देखिए न्यू न्यू फ्लावर्स खिलना स्टार्ट हो गया है। एंथोरियम में जब फ्लावर खिलता है तो एक बहुत अच्छा एक खुशी मिलता है ना मन को, एक बार बारिश हो जाए उसके बाद और भी अच्छा ग्रोथ होगा एंथोरियम्स में, तभी मैं आपके साथ एक एंथोरियम वाला वीडियो भी शेयर करूँगी, क्योंकि आप में से बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि एंथोरियम में फ्लावर्स नहीं आते हैं, तो मेरा वही बीच बीच में मेरा कैमरा मेरे इधर ही चला जाता है। और एक ये देखिए, और एक एडेनियम भी खिल रहा है, तो ये एडेनियम के ऊपर तो हम लोग बात करेंगे, फिर ऐसे आपको दिखा देती हूँ कि ये डबल पेटल वाला है। फिर ये देखिए वेरीगेटेड जूनिपियर, और ये एरिया तो आप लोग हमेशा देखते हैं, अभी फिर से देखिए ग्रीन होने लगा है, क्योंकि थोड़ा तो मैंने केयर लेना स्टार्ट किया है, और कुछ अभी वेदर का असर भी है, सर्दी में थोड़ा ये ड्राई हो जाता है, अभी थोड़ा ग्रीनरी वापस आ रहा है ये एरिया में, तो धीरे धीरे यहाँ पर मैं थोड़ा रिनोवेशन भी करूँगी, और आप लोगों के साथ वो शेयर भी करूँगी, और अपना बेल्कनी जो वारंदा गार्डन है वो भी चेंजेस उसका भी शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सीज़न के वाइज मैं अपना प्लांट्स वगैरह का जो प्लेसमेंट होता है हमेशा मैं चेंज करती रहती हूँ, गर्मी में दिखाती हूँ आप लोगों को, फिर सर्दी से पहले भी दिखाती हूँ। और ये देखिए स्ट्रॉबेरी आइस सिंगोनियम, ये काफ़ी रेयर होता है लेकिन मुझे बहुत पसंद है इसका कॉम्बिनेशन। फिर थोड़ा टेरेस का प्लांट्स भी आपको दिखा दूँ, आप लोग हमेशा बोलते हैं मैं अपना टेरेस का प्लांट्स आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ, टेरेस का ओवरव्यू तो पिछले दूसरा एक दिन दूंगी, लेकिन आज मैं मेरे टेरेस में काफ़ी यूफोर्बिया मिलीज हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत धूप है और ईस्ट फेसिंग घर में तो ऐसे भी धूप ज़्यादा रहता है, तो यूफोर्बिया मिलीज बहुत अच्छा हैप्पीली ग्रो करते हैं विद बोगेनविलियास इन इधर। ये देखिए बोगेनविलिया भी छोटे छोटे जो प्लांट्स है वो भी ब्लूमिंग हो रहा है, और यूफोर्बिया मिली का काफ़ी कलेक्शंस है, यूफोर्बिया मिली या क्राउन ऑफ थॉर्न्स बहुत शेप में और कलर्स में डिजाइंस में आता है। फिर अभी तो यू नो थॉर्नलेस भी आने लगा है, मेरे पास भी एक दो प्लांट है जो मैंने पिछले साल ही आई थिंक आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो यूफोर्बिया मिली भी एडेनियम जैसा है, एकदम कम पानी एकदम कम केयर में अच्छा से ब्लूमिंग करता है, और बहुत ही ये डेजर्ट यू नो लविंग जो आपका ड्राउट लविंग प्लांट है, पानी नहीं देने से ही अच्छा ब्लूमिंग करता है। और ये और एक है ये बोगेनविलिया, इन सबको बिना केयर में रखने से ही ये लोग थोड़ा स्ट्रेस पे आने से ज़्यादा ब्लूमिंग होते हैं। मेरे यहाँ यूफोर्बिया मिली पूरा टेरेस पे ब्लूमिंग हो रहा है, यहाँ पर मेरे टेरेस पे मैं ज़्यादातर हिबिस्कस रखती हूँ, यूफोर्बियाज रखती हूँ, एडेनियम और प्लूमेरियाज रखती हूँ, जो बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सके, क्योंकि डायरेक्ट धूप आता है। और फिर यहाँ पर हमने जाली दे रखा है, लेकिन वो सिर्फ मंकीज के लिए दे रखा है, लेकिन जो नर्सरी वाला ग्रीन नेट वो मैंने नहीं दिया इधर, क्योंकि यहाँ पर कपड़ा वगैरह भी सूखता है हम लोगों का, तो मैं एक दिन पूरा टेरेस का ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तक तो थोड़ा सस्पेंस पे ही बने रही है कि नहीं, एक साथ सब दिखा देने से आप लोग ही तो बोर हो जाएंगे। और वही डिफरेंट डिफरेंट यूफोर्बिया से, ये देखिए छोटा वाला बटन वाला यूफोर्बिया है, यूफोर्बिया से प्रोपागेट करना भी बहुत इजी है, मेरा पिछले साल का एक वीडियो है हाउ टू प्रोपागेट फ्रॉम यूफोर्बिया मिलीज, एक छोटा सा कटिंग ले लीजिए, उसमें जो आपका जो एक मिल्क जैसा होता है ना उसको आप कटिंग लेके उसको आप एक दिन ड्राई कीजिए, उसको तुरंत मत लगाइए, उसके बाद उस कटिंग को आप बालू और गोबर या बालू और वार्मी कंपोस्ट का मिक्सिंग में लगा दीजिए, आप फिर एक बार पानी दीजिए, उसके बाद फिर पानी एवरी वीक ही दीजिए, आपका कटिंग विद इन 15 डेज एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर देगा, इतना इजी है। तो एक बार आपके हुआ थोड़ा मौसम ठीक हो जाए, बारिश थोड़ा एक बार आ जाए सीजन में, उसके बाद कटिंग वगैरह ज़रूर ग्रो कीजिए इस प्लांट का, मल्टीप्लाई कीजिए, मेरे यहाँ तो बहुत है और मुझे इसका ब्लूम सारा साल पसंद है, विंटर में भी ब्लूम किया मेरे यहाँ, ये पूरा साल ब्लूम किया है, अभी भी कर रहा है और करेगा, गर्मी में तो और भी करेगा। तो देखिए कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ में होता है ये, तो
ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर करना करने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा कि एक्चुअली अभी थोड़ा थोड़े दिन बाद मैं इन सब का कटिंग कर दूंगी, न्यू प्लान भी हो जाएगा और वो जो भी मेरा प्लान्स थोड़ा लेगी हो गया है उस वो भी थोड़ा बुशी बन जाएगा। और जितना आप कटिंग करेंगे प्लान्स का हेल्थ उतना ही अच्छा होता है। तो इस बार भी जब मैं कटिंग करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर हाँ, एक बात है, अगर आप एलर्जिक हैं थोड़ा लेटेक्स वाले प्लान्स में जिसमें से एक दूध जैसा यू नो वाइट मिल्की सब्सटेंस निकलता है कटिंग के बाद, जैसे प्लूमेरिया या चंपा से निकलता है, यूफोर्बिया से निकलता है, तब आप ग्लव्स वगैरह ज़रूर पहन लीजिए काम करने के टाइम में, क्योंकि कोई कोई उसमें एलर्जी भी हो सकते हैं। और अगर आपके पेट्स हैं तो पेट्स को भी उस वाइट वाला सब्सटेंस से थोड़ा ज़रूर दूर रखिए, क्योंकि वो थोड़ा टॉक्सिक होता है, थोड़ा पॉइजनस होता है। लेकिन पेट्स वगैरह हम लोग के बहुत ये है, थोड़ा क्लेवर है, इसमें काटा वगैरह है तो इतना, मेरे कैट्स तो इसके सामने उतना जाते नहीं है। अभी शायद टेरेस में मेरे एक दो कैट घूम भी रहे हैं, अगर दिखाई दिया तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। स्पेशली पैची है अगर है तो मैं पैची को ज़रूर दिखाऊँगी। और देखिए इसका जो सूखा हुआ फूल है वो ज़रूर आप हटा दीजिए, हालांकि मैंने तो हटाया नहीं, लेकिन आप ज़रूर कीजिए। मैं जो करती नहीं हूँ लेकिन कहती हूँ वो भी आप सुनिए और ज़रूर कीजिए। तो हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा। और कीप ऑन, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, आप ना थ्रू ऑल ऑफ़ यू मैंने मुझे इतना फ्रेंड्स मिला है, सो उस सब के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, तो मैं अभी और भी नया नया वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।